ठीक है। आप में से कोई मुझे ये बता दें कि आप केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हो? ये तो आप 9th से पढ़ते आए होंगे ना, 9th में, फिर 10th में, फैसी में भी, कि व्हाट इज केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील इन स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड स्कैन प्रोटेक्शन। जी, कोई और? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सिंपली केमिस्ट्री जो है ना, इसको हम साइंस ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ मैटर कहते हैं, स्टडी ऑफ मैटर है ये। और फिर इसमें हम ये कहते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं इसमें। मैटर की प्रॉपर्टीज में फिर आप दोनों तरह की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सबको देखते हैं। और फिर इसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं, जैसे कि अभी आपने बात की केमिकल रिएक्शंस की, हम उन चेंजेस को स्टडी करते हैं। और इसके अलावा हम इसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो उन चेंजेस को गवर्न कर रहे होते हैं, आप उनको भी स्टडी करते हैं। यही है ना? तो मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? देखिए बेटा, एक बात तो मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली तो जाहिर है कि राणा साहब जो है वो चूंकि मेरे क्लास फेलो भी हैं, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आज आप में मेरे काले चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया हूँ। मैं कुछ चीजें जनरल सी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें एक बात जो है वो क्लासरूम के हवाले से भी मैं करना चाहूंगा कि क्लासरूम रूल्स या क्लासरूम एथिक्स जो होते हैं, उनमें एक बात ये है कि जब भी कोई टीचर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उसका तरीका, ये जिस तरह से आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, सॉरी टू से, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता। क्या होना चाहिए? हैंड रेस होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब सब लोग बोलते हैं ना, तो उसमें सुनने वाले को कुछ पता नहीं चलता कि क्या कहा गया है। बात इस तरह से मिक्सअप हो जाती है। तो इसमें ऐसा है कि आप हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज का मतलब हरगिज ये भी नहीं होता कि मुझे इस सवाल का दुरुस्त जवाब आता है। हैंड रेज का मतलब ये है कि मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है? और उसमें हो सकता है कि वो जो आंसर है वो एक्सट्रीमली करेक्ट ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी जो कहना चाहता है वो कहना चाहिए। इसलिए कि लर्निंग जो है ये टू वे प्रोसेस है। लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है। टीचर जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, और स्टूडेंट जो है उन इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। और अगर इनमें से कोई एक जो वे है वो अगर किसी भी हवाले से वो मुतासर हो जाए तो फिर लर्निंग नहीं होती। बाज़ोकात हम ये कहते हैं ना कि क्लासरूम के अंदर लर्निंग नहीं हो रही है, और हो सकता है टीचर ठीक लेक्चर डिलीवर ना कर रहा हो, टीचर ठीक ना पढ़ा रहा हो, बाज़ोकात यही समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना कि ये लर्निंग है, ये टू वे प्रोसेस है। टीचर बिल्कुल ठीक चीजें डिलीवर कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते कि अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो उस क्लियरिटी को सीख करने के लिए वो नहीं सवाल करते, तो उस वक्त भी लर्निंग नहीं होती है। तो इस वजह से जब भी आपसे कोई टीचर जो है वो इस तरह से सवाल करे, तो आपने जवाब उसको देने के लिए पहले तो ये इस बात की इजाजत लेनी है कि मुझे इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं इसका जवाब, मैं इसे रिस्पॉन्ड करूं। दूसरी बात ये है कि कभी भी अपने आप में इस बात की वजह से आपने हैंड रेस करने से नहीं रुकना कि पता नहीं मेरा जवाब ठीक भी होगा या नहीं होगा, ठीक है ना? जो भी है आप बताएंगे, जब आप चाहे बात ठीक ना हो, लेकिन जब आप कहेंगे तो उसके बाद टीचर को अंदाजा होगा कि इसमें कंसेप्ट जो है उसके किस हद तक क्लियर है। मिसकंसेप्शन जो है वो उसी वक्त क्लियर होगी जब आप अपने अंदर जो कुछ है वो आप उसको डिस्क्लोज करेंगे, वो आप बताएंगे, तो उसके बाद
तो मैं ये पूछ रहा था कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है जी बेटे? हर वो चीज जो जगह लेती है और वजन रखती है वो मैटर कहलाती है। हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है, जगह घेरना जाए उसके लिए हम कौन से ताल इस्तेमाल करते हैं? जगह घेरना जी, इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन इसी तरह से करते हैं, लेकिन इसके बाकायदा एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं और उसे हम कहते हैं वॉल्यूम, है ना? ऐसे जगह, कितनी जगह कोई चीज घेर रही है इसका मतलब यह है कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस तरह से ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है हम इसको कहते हैं कि ये वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा वो मैटर होगी, ऐसे। और साथ आपने कहा वजन रखती है, ये वजन रखना जो है ये वेट है या मैस है? मैस है जी। तो मैस को आप किस तरह से डिजाइन करते हो? मैस को कैसे डिजाइन करते हो? नो सॉरी, देखिए मैस जो है आप कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऐसे है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिर इसीलिए आप उसका जो है जब यूं समझ लीजिए कि उसका यूनिट जब आप एक्सप्लेन करने लगते हो तो आप कहते हो कि किलोग्राम है या उसमें फिर ग्राम की तरफ नीचे आप ये सारी चीजें। एक्चुअली तो ये है कि ये मैस और वॉल्यूम, मैस और वॉल्यूम जो है हम कहते हैं कि दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये तो मैटर की दो अहम प्रॉपर्टीज हैं। मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? एक और डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी बुक्स के अंदर, किसी के जेहन में आ रही है? कि मैटर जो है वो एक स्टफ है जिससे हम किसी चीज को बना हुआ देखते हैं। Means this marker is made of plastic. Means plastic is matter. That is the other thing that this matter has the volume as well as the mass. कि ये matter जो है इसका volume भी है और इसका mass भी है। तो गोया ये पूरी कायनात, इसके अंदर जो चीज भी किसी भी चीज की बनी हुई है वो मैटर है। तो जब हम कहते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर, तो इसका मतलब यह है कि ये केमिस्ट्री जो है इस पूरी कायनात की हर चीज को डिस्कस करती है। इसीलिए कहा जाता है केमिस्ट्री इज क्वीन ऑफ साइंसेस। केमिस्ट्री जो है वो हर चीज को डिस्कस करती है, क्योंकि इसमें जितनी भी ऐसी चीजें जो टेंजिबल हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका कोई प्रॉपर वॉल्यूम है, जिनका कोई मैस है, उन सबको ये डिस्कस करेगी, उस मैटर को डिस्कस करेगी, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेगी। प्रॉपर्टीज में जो है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेगी, ऑन विच द प्रॉपर्टीज बाय विच एनी मैटर गो थ्रू अ चेंज, उसको डिस्कस करेगी, जिसको आप केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस जो है वो किस तरह से होते हैं, और फिर उन केमिकल रिएक्शंस में भी आप देखते हैं कि आप कंडीशंस चेंज करते हैं, सेम रिएक्टेंट्स होते हैं, कंडीशंस चेंज होने से प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, होता है ना ऐसे? तो इस तरह से केमिस्ट्री जो है वो एक तरह की मिस्ट्री है। तो बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि केमिस्ट्री जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। शर्त ये है कि आप इसके ऊपर मुतवज्जे रहें
टीचर्स जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं आप उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, उसके ऊपर सोचें, जो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं वो आप उनसे जरूर पूछें। कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने क्लियर रखें, और अपने कॉन्सेप्ट के क्लियरेंस के लिए सिर्फ ये टेक्स्ट बुक या लेक्चर काफी नहीं होता है। सर बैठे हुए हैं, आपको ये सारी चीजें उन्होंने पहले भी बताई होगी, जनरल ओरिएंटेशन जब आपकी हुई होगी तो जाहिर है उसमें ये सारी बातें आपसे डिस्कस हुई होगी, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको इस पे थोड़ा सा मजीद कंसंट्रेट करने के लिए ये बातें बता रहा हूँ कि आप लेक्चर सुने, अपने जो बुक है जो भी आपको नोट्स की सूरत मिलती है, कोई रेफरेंस बुक्स हैं उनको आप देखें, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें चीज़ों को। ये जो हमारा यहाँ पे कल्चर बन गया रोट लर्निंग और मार्क्स जो है ना उनको हासिल करने के लिए हम बस रट्टा ही लगाते हैं, केमिस्ट्री इस तरह से नहीं आती। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको अपने कंसेप्ट हैं वो क्लियर करना होगा। चले जी, तो ये चंद बातें इब्तदाई तौर पर करने के बाद केमिस्ट्री जो है वो हम मैटर की साइंस को इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो आजकल आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? वैसे आपकी क्लासेस सर इनकी कब स्टार्ट है? 15 नवंबर से। 15 नवंबर का मतलब ये है कि तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, है जी? तो इन 2 महीनों में आपने क्या पढ़ाया? आप कौन सा टॉपिक पढ़ा? जी बेटे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और थ्योरीज ऑफ बॉन्ड, एसिड बेस रिएक्शंस, आरएनएस एसिड बेस। अब करंटली आप क्या पढ़ रहे हैं? आरएनएस एसिड बेस, आरएनएस एसिड बेस रिएक्शंस। अच्छा, चले जी, एसिड को डिफाइन कर दीजिए। एसिड आप बता रहे हैं? कहा था क्यों the species will produce the hydrogen bond in its aqueous solution. Aqueous solution क्या होता है? इधर से भी कुछ बताया ना मुझे। जी बताओ बेटे। पानी में जो दिया हो। जी, aqueous solution जो है उसमें solvent भी है, वो water का जो solvent हम लेते हैं तो उस वक्त भी है वो, हमारा solution क्या होता है? Aqueous solution। अच्छा जी, तो ये सिर्फ आपने आरएनएस कॉन्सेप्ट पढ़ाए ऐसे ये सिर्फ था, या बाकी कॉन्सेप्ट भी आपने डिस्कस किए हैं इसमें? अभी सिर्फ आपने आरएनएस कॉन्सेप्ट पढ़ा। और इस कॉन्सेप्ट में बेसिस क्या होती है? बेसिस जी बताइए। बेस ऑन दोस स्पीशीज विद कंटेंट एंड देयर रॉक्सन जी, हाइड्रोक्सलाइन। व्हाट इज आयन? अभी हमने बात की ना कि एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जो बेसिस हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में हमने कहा कि हाइड्रोक्सलाइन देते हैं। व्हाट इज आयन? जी बेटे, आप व्हिच कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एग्री? सब लोगों का ख्याल यही है या इसमें किसी को इख्तलाफ है? जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये आप डिफरेंट स्पीशीज जो है ना इसमें पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसी तरह से आप आयन पढ़ते हैं, और इसी तरह से एक टर्म आपने रेडिकल भी पढ़ी होगी, वो क्या होती है? हाँ जी,
चाहिए। अगर मैं इस तरह से ये लिख दूं तो ये क्या है जी? कार्बोक्सिल ग्रुप है ये।